ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभ राशि वालों, अब 14 अगस्त से 20 अगस्त यानी कि इन 7 दिनों में सूरज की तरह चमकेगा आपका भाग्य। जय दोस्तों, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको 14 अगस्त से 20 अगस्त यानी कि इन 7 दिनों में 5 शुभ समाचार और बड़ा सरप्राइज मिलेगा। या दोस्तों, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके लिए 14 अगस्त से 20 अगस्त यानी कि इन 7 दिनों का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। या दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके ग्रहों में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे पूर्ण रूप से आपके पक्ष में साबित होने वाले हैं। या दोस्तों, इन 7 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय कहा जा सकता है। या दोस्तों, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां इन 7 दिनों में आपको प्राप्त होने वाली हैं, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। या दोस्तों, भी बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए 14 अगस्त से 20 अगस्त यानी कि 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, यह समय आप धैर्य व विवेक का उपयोग करके किसी भी समस्या को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। परिवार के लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना आपको खुशी प्रदान करेगा। पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है। पुरानी गलतियों से सीखकर आप और अधिक बेहतरीन नीतियों पर विचार विमर्श करेंगे। स्वयं को उत्तम स्थिति में पाएंगे और सफलता भी आपको हासिल होगी। घर के नवीनीकरण तथा साज सज्जा संबंधी कोई रूप रेखा भी बनेगी। साथ ही साथ धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। किसी शुभ चिंतक का आशीर्वाद व शुभकामनाएं आपके लिए वरदान साबित होंगी। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय आप किसी रुके हुए काम को पूर्ण रूप से संपन्न करने में सफल रहेंगे। बेहतर करने के लिए आप कुछ सकारात्मक बदलाव लाने पर विचार करेंगे। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से समाज व संबंधियों में उचित स्थान बना रहेगा। आपकी योग्यता व क्षमता लोगों के सामने आने से उनके दिल में आपके प्रति विशेष सम्मान रहेगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांति आपको प्राप्त होगी। कुछ समय परिवार के साथ हास प्रयास तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय दौड़ धूप की अधिकता तो रहेगी, परंतु कार्यों की सफलता आपकी थकान को दूर भी कर देगी। समय की चाल अब आपके पक्ष में है। अनुभवी लोगों का आपको साथ मिलेगा। साथ साथ कभी कभी किसी काम में मनो अनुकूल परिणाम ना मिलने से आपको असहजता महसूस होगी, परंतु जल्द ही समाधान भी प्राप्त होगा। व्यर्थ के कामों में आप समय नष्ट ना करें तथा खर्चे भी बजट के अनुसार ही करें तो अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में काफी सूझबूझ कर व सोच विचार विमर्श करके आप निर्णय लें। किसी प्रकार का विश्वासघात या धोखा हो सकता है। अपना कोई भी प्लान किसी के समक्ष सार्वजनिक आप ना करें तथा अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को बहुत अधिक संभाल कर रखें। किसी नजदीकी व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से आप मामला सुलझाएं। अपनी गतिविधियों तथा योजनाओं के बारे में किसी से आप चर्चा ना करें, उन्हें गुप्त रखें। दोस्तों, साथ ही साथ वाहन या कोई भी मशीनरी संबंधी उपकरण बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय या अशुभ समाचार आपको मिल सकता है। खर्चों की अधिकता पर अंकुश लगाकर रखना आवश्यक है। साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब होने की आशंका है, इसलिए क्रोधी स्वभाव पर आप नियंत्रण रखें।
साथ ही साथ अध्ययनरत विद्यार्थी आलस की वजह से पढ़ाई में भी पिछड़ सकते हैं। किसी प्रकार की यात्रा को करने से आप परहेज करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का फायदा ना होने की स्थिति लग रही है। संतान की परेशानियों में आपका सहयोग सर्वोत्तम रहेगा। दोस्तों, बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य मधुर रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात प्रसन्नता देगी तथा पुरानी यादें भी ताजी होंगी। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुरतापूर्ण रहेंगे। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी घर परिवार पर समय देना पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा तथा घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग परिवार के वातावरण को शांतिपूर्ण तथा अनुशासित बनाकर रखेगा। किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बन सकती है। दोस्तों, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इस समय का आप अवश्य ही लाभ उठाएं। दोस्तों, बात अगर आपके व्यवसाय और करियर की करें तो यह समय आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी गतिविधियों में और अधिक सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु डील करते समय बहुत अधिक चौकन्ना रहने की आपको आवश्यकता है। थोड़ी सी असावधानी या फिर गलती का बड़ा खामियाजा आपको भुगतना भी पड़ सकता है। नौकरी में कोई तरक्की मिलने की भी उम्मीद है। किसी उच्च व वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से राजकीय काम पूर्ण होंगे। कहीं से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। व्यवसाय में बहुत अधिक कार्य तथा किसी नई जिम्मेदारी की अधिकता रहेगी। घर परिवार की उलझनों से ध्यान हटाकर अपने व्यवसाय नौकरी पर आप अधिक ध्यान दें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में समर्थ रहेंगे। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन संबंधी समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ व्यवसाय संबंधी नई नई बातों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऑफिस के काम से किसी टूर पर भी आपको जाना पड़ सकता है। साथ ही बोनस या तरक्की के भी योग बने हुए हैं। अपने संपर्क सूत्रों के दायरे को और अधिक विस्तृत करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ ऑफिस में कोई ऐसी गलती या आपसे चूक हो सकती है जिससे आपको अधिकारियों की डांट का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में मरम्मत व रंग रोगन संबंधी कार्यों की भी योजना बनेगी। युवा वर्ग को अपने कैरियर संबंधी कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है जिससे उनको बहुत ही खुशी प्राप्त होगी। कमीशन संबंधित व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों, बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो यह समय ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज की परेशानी से संबंधित लोग अपना ध्यान अवश्य रखें। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मौसमी बुखार भी रह सकता है। अपनी दिनचर्या को आप संयमित रखें। बदलते मौसम के नकारात्मक प्रभाव का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए आप आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें, संतुलित आहार लें और साथ ही साथ योग और प्राणायाम का सहारा लें। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।